Guys, this is me, Mrin Makarmakar, and you are watching your all new YouTube channel, The Untold Max. So guys, आज की वीडियो हमारी इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है फॉर ऑल दी मास्टर्स एस्पायरिंग स्टूडेंट इन JNU. जिसे भी JNU में मास्टर्स करनी है उसके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तुमसे हाउ टू क्रैक एंड वॉट आर द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर JNU MA एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री. MA इन हिस्ट्री को कैसे क्रैक करना है, कैसे हम हिस्ट्री में मास्टर्स एग्जाम क्रैक कर सकते हैं JNU के लिए. भैया कुछ टिप्स बता दो. हमें पता है, बच्चों को सब कुछ पता है, स्टूडेंट को सबको पता है कि क्या सिलेबस आनी है, क्या चीजें हैं, फलाना, इंटरनेट पे ढेरों ऐसी वीडियोस मिल जाती है, बट कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि व्हाट आर द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, किसको लगा के, कौन सी टिप्स को लगा के तुम एग्जाम को पक्का पक्का क्रैक कर सकते हो. 8 ऐसी गोल्डन टिप बताऊंगा आज की वीडियो में भाई तुम्हें, जिसमें से अगर 2-4 भी लगा दी ना तो तुम JNU में अपनी चांसेस इंक्रीज कर लोगे एग्जाम को क्रैक करने की और ऑफिशियली JNU में एज ए स्टूडेंट बनकर जाने की. हाँ जी, बस 8 ऐसे. आज की वीडियो में मैं कोई तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा कि ये सिलेबस आती है, वो सिलेबस आती है, ढेरों वीडियो पर रखे प्रोस्पेक्टस है, फ्री में डाउनलोड कर दो, जाओ उनकी वीडियो देख डालो, व्यूज बढ़ा डालो, बट आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसे गोल्डन टिप्स बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. ये टिप जो है ये ओरिजिनल है, हर जगह से रिसर्च करके, सारे टॉपर्स की बातें सुन के तब मैंने बनाई है, तो दिस आर लाइक बहुत अंदर से लाया हूं. बट उससे पहले अगर तुम्हें किसी भी चीज में डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारे नीचे इंस्टाग्राम के लिंक दी हुई है, वहां जाके अपने भाई को DM कर सकते हो. आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू गाइज, नो वरीज अबाउट दैट. बट उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करना, काफी सारे इंफॉर्मेशन, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें रील सेक्शन में भी अपलोड करते रहता हूं मैं, जिससे तुम्हें अपने करियर में हेल्प मिले. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. यस, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और बस 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 स्टार्ट हो गई. अब मैं तुम्हें बताऊंगा 8 ऐसी गोल्डन टिप्स, जिसे लगा दिए ना तो लाइफ जिंगा डाला. तो गाइस, अब आ गया है वक्त जब मैं तुम्हें एक एक करके सारी गोल्डन टिप्स बताऊं. स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है सिलेबस के अलावा, क्योंकि सिलेबस तो तुम्हें ऐसे ही मिल जानी है, जाओ देख लो खोज के, ये सारी पकाऊ चीजें मैं यहां नहीं करने वाला हूं, तो तुम्हें बस इतना चीज अपने दिमाग में रखना है कि बेसिक चीज, उसी के ऊपर तुम्हारे सारे टिप्स इर्द गिर्द घूमेंगे, कि तुम्हारी जो JNU में एडमिशन होगी मास्टर्स में, एग्जाम क्रैक करने के बाद तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है कि तुम एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करके उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन आगे करो. बट प्रिपरेशन करते टाइम भाई तुम्हें हर कुछ पढ़ना है, तो एक भी सेक्शन को तुम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो. ये सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग में रखना, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे सेक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हें तीनों पढ़ने हैं. ओके, तो सबसे पहला गोल्डन रूल हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहला गोल्डन टिप कि टेक हेल्प फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटीज BA हिस्ट्री ऑनर्स सिलेबस. अब मैं खुद बोल रहा हूं तुम्हें कि DU के हिस्ट्री ऑनर्स BA इन हिस्ट्री के सिलेबस को उठाओ और उसे पढ़ डालो, उसे देख डालो, क्योंकि समटाइम्स नहीं, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, खुद टॉपर बोलते हैं भाई ऐसे, कि DU के जो सिलेबस है BA इन हिस्ट्री ऑनर्स की, वो पक्का पक्का टकराती है, पूरी तरीके से टकरा जाती है वो सिलेबस, तो उसे तुम स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि DU इटसेल्फ इज अ ब्रांड. तुम्हें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ब्रांड यूनिवर्सिटी है हमेशा से पूरे इंडिया में. ओके, तो DU की जो सिलेबस होती है वो उतनी ही ज्यादा प्रेस्टीजियस है. ऑल्दो इंडिया में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हिस्ट्री ऑनर्स कराती है, बट DU की, पता नहीं DU के सिलेबस में ऐसा इस तरीके से उसे डिजाइन करा गया, इस तरीके से कुछ सिलेबस है जिसको तुम अगर ध्यान में रख के चलोगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम इस एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन तुम कर लो बिना अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और काफी बार तो सेम चीजें टकरा जाती है. तो DU के जो BA हिस्ट्री ऑनर्स सिलेबस है उसे कभी भी इग्नोर मत करना. अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर टिप में, काफी मजा आ रहा है ना, अगर तुम्हें लिटरली मैं पहला टिप भी फ्रूटफुल लगाऊं ना थोड़ा सा भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक डिसलाइक करना अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट. ओके, सेकंड नंबर जो टिप है हमारा, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन. हाँ जी, तुम्हें 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं करना पड़ेगा. अब तुम बोलोगे कि सर ये हमें पता है भैया, ये हमें पता है, हर चैनल वाले बोलते हैं ये चीज हमें पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता है एनालिसिस का मतलब क्या है. मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसे रट जाओ, क्वेश्चन रटो प्रीवियस 10 ईयर के. मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं एनालाइज करो, एनालाइज मतलब क्वेश्चन के लेवल को चेक करो, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर बहुत ज्यादा डीप में चले जाओगे ना प्रीवियस क्वेश्चन 10 ईयर को पकड़ के, तो तुम्हें बस इतना ही देखने को मिलेगा कि आज से 4 साल पहले की जो सिलेबस आती थी, 3 साल 4 साल मतलब 16 15 14 की जो एग्जाम होती थी, सॉरी वो एग्जाम को जब देते थे तो वो हमारी सब्जेक्टिव एग्जाम होती थी, वहां लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है JNU में. अब होती है तुम्हारी NTA के द्वारा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है ना, MCQ होती है, नो नेगेटिव मार्किंग वाले, वहां पे तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं. तो पेपर तो तुम्हें पिछले साल के हेल्प करेंगे ही, बट यहां पे तुम्हें ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या आते थे मतलब पिछले साल, तुम्हें वहां के मेनली क्वेश्चन का लेवल चेक करना है, दैट इज द मेन थिंग. फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम लेवल नहीं चेक करोगे ना तो तुम बहुत बड़े घाटे में रहोगे. ओके, मैं बताता हूं कैसे. एनालिसिस मतलब क्वेश्चन लेवल चेक, मतलब
अगर तुम्हारी एग्जाम की जो ओरिजिनल लेवल है वो है एक्स लेवल की और तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है ए लेवल की, तो तुम बहुत भरे घाटे में हो। ऑब्वियसली ये बात कोई नहीं बताएगा, इतना डीप बात तुम्हें कौन बता देगा, बीइंग अ ब्रो ही तुम्हें बता पाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी क्वेश्चन की लेवल ही बहुत ज्यादा है, तुम कम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम्हारी क्वेश्चन की जो पहली जो पुरानी 10 ईयर्स क्वेश्चन है उसकी लेवल ही अगर आती है मान लो लो लेवल की और तुम हाई लेवल की बहुत हाई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम वहां भी गलत हो। ऑलवेज गो फॉर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। यूपीएससी की कल को मान लो सपोज अगर तैयारी करते हो तो यूपीएससी पता है ना कितने ज्यादा टफ लेवल की एग्जाम लेती है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग, 10 ईयर्स क्वेश्चन के देखने का मतलब यही होता है, क्वेश्चन के लेवल को एनालाइज करना मेरे भाई, दैट्स इट। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर टिप में, ट्राई टू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ क्वेश्चन। अब बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया, प्रश्न से प्रश्न कैसे बनाए। तीसरा नंबर टिप हमारा यही कहता है, मतलब अब जब तुम 10 ईयर्स क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें यह देखना है कि पिछले साल अगर लेट्स एग्जाम्पल क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनाए, मैं बताता हूं, मैं बोल रहा हूं प्रश्न से प्रश्न बनाओ। पिछले साल अगर कोई क्वेश्चन में आया था कि बैटल ऑफ पलासी कब हुई थी, तो तुम्हें इस साल उस क्वेश्चन के आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपने दिमाग में खुद से बना के नोट डाउन कर लेने हैं। मतलब आसपास के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर पिछले साल बैटल ऑफ पलासी आई थी तो उसके आसपास के जितने भी बैटल्स हो रखे हैं उस साल के, उस सन के, उस ईयर के, उसे देख लो। क्या पता पिछले साल बैटल ऑफ पलासी आई थी तो उसके जो अगले साल जो बैटल हुई थी वो इस साल आ जाए, कोई गारंटी नहीं भाई। तुम्हें बस प्रेडिक्शन करना है, स्मार्ट स्टडी से तुम एग्जाम निकाल सकते हो। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और सीट्स कम है, तो समझ रहे हो ना, दिमाग से चलना पड़ेगा यही तुम्हें। मतलब जिसकी स्ट्रैटेजी में ज्यादा दिमाग होगा, जिसकी स्ट्रैटेजी में ज्यादा टिप्स लगे होंगे ना, वो ज्यादा आगे निकलेगा। खुद की डिस्कवर करो। मतलब पिछले साल अगर कोई क्वेश्चन आई थी कि ये फलाना इंसिडेंट किस डेट को हुआ था, तो तुम उसके आसपास वाली इंसिडेंट भी इस साल देख लो, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाओ। हर बार मैं यही बोलता हूं, एक प्रश्न आई थी पिछले साल कुछ, तो उसके भाई वाले टाइप के क्वेश्चन को उठाओ। मतलब कि अगर बोला जाए कि क्या बोलते हैं, इस इंसान के, इस मुगल राजा के पत्नी का नाम क्या था, तो तुम याद कर लो कि उस मुगल राजा की अगर कोई और भी पत्नी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, और भी बीवी है, तो उसका नाम क्या था। तो एक एग्जांपल बस दे रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ए क्वेश्चन है तो उसके बी सी डी ई एफ क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या और चीजें खोद खोद के ला सकते हो, तो वो लाओ। क्या पता पिछले साल वो चीज पूछी गई थी तो इस साल उससे रिलेटेड ये चीज पूछ ली जाए, कोई गारंटी नहीं है। जरूरी तो नहीं क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन ये जरूरी है कि टाइप काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन जरूर आ जाए इस बार, तो एग्जाम में बैठ के ओ शिट फक मैन बोलने से अच्छा है अभी से प्रिपेयर हो जाओ। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर गोल्ड आइज। अब वक्त हो गया हमारे चौथे नंबर टिप का, और ये टिप उन लोग के लिए सबसे बड़ी टिप है जिन्हें फाइनेंशियली किताब खरीदने में दिक्कत होती है। आई नो कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो काफी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और पुअर मतलब स्मॉल टाउन से भी आते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है कि इतने इतने बुक्स जो है प्रिपरेशन के लिए इतने महंगे आते हैं, तो कैसे ले कैसे करे। तो उनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन टिप यही है कि इग्नू की जो वेबसाइट है, मतलब इंदिरा गांधी ओपन इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है, वहां से तुम्हें फ्री में नोट्स मिल जाएंगे भाई, फ्री में। उस नोट्स को उठाओ, वो बहुत हेल्पफुल नोट्स है। ऐसा नहीं है कि वो चीज फ्री में है तो वो खराब होगी, ऐसा कभी सोच के उसे इग्नोर मत करना। मैं भी फ्री में ज्ञान दे रहा हूं, मतलब इसका मतलब मेरा भी ज्ञान फ्री में होगा। जो इंसान पैसे लेके क्रैश कोर्स करा रहा है, तो क्या जरूरी है कि वो सही का ज्ञान दे रहा हो? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ये सब बोलने की बातें हैं। योर ब्रो इज ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट यू। मुझे पता है बीइंग ए स्टूडेंट पैसे की दिक्कत होती है हर किसी को, ब्रो टू ब्रो स्पीकिंग, ये बात मैं समझ सकता हूं तुम लोग की। तो इसीलिए बोल रहा हूं इग्नू के वेबसाइट में तुम्हें फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, और जिनके पास पैसे है बुक ले सकते हैं वो भी एक बार इग्नू के वेबसाइट पर जाके उस नोट्स को पढ़ो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वहां पर तुम्हें हिस्ट्री के रिलेटेड बहुत नोट्स मिल जाएंगे फ्री में। फ्री का मतलब ये नहीं कि वो फ्री है या वहां पैसे नहीं लग रहे तो खराब है, हर बार बोल रहा हूं। ये चीज सोचोगे ना तो एग्जाम बहुत बड़ी मिस कर जाओगे तुम, तो प्ले स्मार्टली। ओके, ऑलवेज ट्राई टू प्ले स्मार्टली। और जो भी बच्चे को दिक्कत है फाइनेंशियली एंड ऑल, उसके लिए तुम्हारा भाई है ना ब्रो टिप के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पर डीएम करो, ब्रो ऑलवेज हेयर फॉर यू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। गाइस, अब है हमारा पांचवा नंबर टॉपिक, इतना ज्यादा न्यू एंड क्रिएटिव है ना ये जो टिप है ना, एकदम ब्रो टू ब्रो बोल रहा हूं, दिल से निकाल के लाया, मतलब एकदम दिमाग दिल सबका प्रयोग किया गया यहां पे। मतलब मैं ये बोल रहा हूं ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। हाँ जी, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स। अब छोटे छोटे नोट्स क्यों बोल रहा हूं, छोटे छोटे नोट्स मतलब वन लाइनर नोट्स। अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उसमें से लंबे नोट्स बनाने की गलती मत करना। 2-3 लाइन के नोट्स मत बनाना, एग्जाम के टाइम तशरीफ फट जाएगी, कुछ नहीं याद होगा। मतलब जब एग्जाम आने में 15 दिन बाकी होगा ना, और तुमने लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव नोट्स बना दिए होंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता चला, तो तुमने ऐसे लिख दिया कॉपी में बड़ा बड़ा, वो चीज मत करना। वन लाइनर बनाओ, एक लाइनर, तब एग्जाम में जब 10 दिन भी बाकी हो ना, तो 10 दिन के अंदर कम से कम 2-3 बार आराम से रिवाइज कर जाओ पूरी चीज, होल बुक एकदम थॉरली, पूरी रट्टू तोते की तरह रिवाइज कर जाओ। ऐसा चीज होना चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास छोटे छोटे नोट्स की आवश्यकता है। तो छोटे नोट्स कहां मिलेंगे, वो तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। और छोटे नोट्स में तुम क्या डालोगे, वही पॉइंट्स डालोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। अगर लंबे नोट्स के लिए जाओगे तो फिर दिक्कत है, अपने रिस्क पे खेल लो भाई, एग्जाम जब पास आएगी तो तुम्हारी लग जानी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, समय भी बचेगा और देख के ज्यादा याद भी होगा।
मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होगी। ओके अलो गाइस, अब वक्त हो गया हमारे टिप नंबर 6 का। अब 6 नंबर टिप क्या कहता है भैया? 6 नंबर टिप जो है हमारे 5th नंबर टिप को ही पूरा करता है। मतलब 5वें नंबर टिप में मैंने ये बताई थी कि ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स, अब 6th नंबर पे मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए। भैया आपने तो ये बता दी छोटे नोट्स बनाओ, बट हमें आइडिया नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम है, हम कैसे शॉर्ट नोट्स खुद से बना ले, हमने कभी नहीं बनाई है। तो एक यूट्यूब चैनल है जिसको फॉलो करके तुम उसके टिप्स को, मतलब उसने जिस तरीके से पढ़ाया है, जिस तरीके से उस व्यक्ति ने उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है अपना हिस्ट्री, उसमें उसने काफी अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना बना के बताया है। और वो बहुत महान इंसान है, मतलब महान इन द सेंस कि बहुत ज्यादा इनलाइटेंड इंसान है अपने लाइफ में। मैं भी पर्सनली एक टाइम पे उन्हें फॉलो किया हूं, काफी सारी नॉलेजेबल वीडियो उनसे मुझे देखने को मिली, हिस्ट्री के बारे में मुझे काफी सारी चीज जाना हूं। तो मेरे हिसाब से मैं पर्सनली बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं उनके चैनल की नाम तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं। उनका नाम है दी कैटलिस्ट ग्रुप YouTube चैनल, जो एक YouTube चैनल दी कैटलिस्ट ग्रुप, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स फाइन। ये जो चैनल है ना, यहाँ पे तुम्हें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री मिल जाएंगे। ये एक सर है, एक्चुअली नाम उनका मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने अपने वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन करा है शॉर्ट नोट्स बना के, और वो UPSC निकाल के बैठे हैं वो सर, और UPSC की तैयारी भी कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कुछ पेड वीडियो है, कतई मत सोचना कि मैंने पैसा लिया है, वो सर मुझे जानते भी नहीं होंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो भी हेटर्स है ना सुन लो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मैं, मतलब समझ रहे हो भाई, तुम्हारा बिका नहीं है अभी तक, ओके। बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरा काम है तुम्हें जेन्युइन बातें, सच्ची चीजें बताना। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिएटर होके भी मैं दूसरे चैनल के बारे में तुम्हें बोल रहा हूं, जाओ उस चैनल पे देखो, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। उन्होंने तीनों चीजें पढ़ा के बताया है, मैं यहां पे फोटो डाल दूंगा सर, अगर कभी देखो तो सर हाय, आई एम बिग फैन सर, उन सर के लिए था, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर टिप में, वो है ट्राई टू स्कोर मोर मार्क्स देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ। 7th नंबर टॉप टिप जो है, ये एक काइंड ऑफ ना बैकबोन है तुम्हारी प्रिपरेशन का, कि हमेशा जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये ध्यान रखो, ट्राई टू स्कोर, हमेशा स्कोर करने की कोशिश करो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा। अब कितना ज्यादा मैं बताता हूँ, लेट सपोज अगर प्रीवियस ईयर की मॉडर्न हिस्ट्री जो सब्जेक्ट थी उसकी कट ऑफ 74 गई थी, तो कम से कम 5 मार्क्स सरप्लस में रहो। अगर तुम 5 से 6 मार्क्स सरप्लस में रहोगे, जिस भी, मतलब जो भी सब्जेक्ट तुमको चाहिए होगा, मॉडर्न, एंशियंट, मेडिवल, जिस तीनों में से किसी का भी लास्ट ईयर का कट ऑफ उठाओ, जैसे पिछले साल मॉडर्न का गया था 74, मेडिवल का गया था 71 और एंशियंट का गया था 75, ये मैं तुम्हें जनरल का बता रहा हूँ। अब इसमें 5 मार्क्स जोड़ दो, मैक्सिमम या मिनिमम जो लेना है, अगर तुम्हारी लिमिट इतनी है तो तुम्हारे लिए मैक्सिमम होगा और तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो मिनिमम जैसे ही तुम 5 मार्क्स के सरप्लस में रहोगे ना, उसी तरीके से बस तुमने एग्जाम निकल लिया समझ लो। मतलब अगर तुम्हारी अगर स्कोर है 74 नंबर पिछले साल अगर मॉडर्न की कट ऑफ गई थी, तो 79 से 80 नंबर लाने की कोशिश करो, मिनिमम 5-6 मार्क्स ज्यादा लाओ। सोचो, अपने दिमाग में रखो कि ज्यादा से ज्यादा मेरा 20 नंबर से गलती नहीं होना चाहिए, 20 नंबर से ज्यादा गलती हुई तो मैं गया, ये माइंडसेट लेके चलोगे तो इतना ज्यादा सरप्लस में अगर रहोगे ना, तो इतना जान लो कि JNU की जो वो जो होती है कट ऑफ लिस्ट निकलती है, वो थोड़ी बढ़ती या घटती है, लेकिन इतनी ज्यादा कभी नहीं बढ़ जाएगी कि 10-20 नंबर का फर्क है। तो हमेशा 5 मार्क्स सरप्लस लेके रखो, प्रैक्टिस इस हिसाब से करो, मॉक टेस्ट इस हिसाब से दो कि हर मॉक टेस्ट में तुम्हें मैक्सिमम 10 मार्क्स ज्यादा आए, और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स कम से कम ज्यादा लाओ। अगर मॉक टेस्ट में 10 ज्यादा लाओगे तो एग्जाम में 5 ज्यादा लाओगे, मॉक टेस्ट में 5 लाओगे तो एग्जाम में 2 लाओगे, तो यही चीज होता है। तो हमेशा सरप्लस करो, अपने स्कोर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लो, ताकि तुम एग्जाम तुम्हारी क्यों निकल जाए। और सबसे लास्ट जो टिप है 8 नंबर की, डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सीट्स। ये बात मैं सबको बोलता हूं, कभी भी JNU में सीट्स के हिसाब से मत पढ़ो, JNU या कोई भी यूनिवर्सिटी हो ना, डू नॉट स्टडी अकॉर्डिंग टू सीट। लेट्स से एग्जांपल कि अगर तुम्हारी कट ऑफ 80 गई है 100 में से, और तुम्हारी सीट्स मात्र मान लो कि 103 सीट है JNU में, ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए 103 सीट ही है हिस्ट्री के लिए, लेकिन जो कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे हैं वो 200 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है क्या कि 97 बच्चों को छाट दिया जाएगा, सिर्फ 103 को लिया जाएगा? ऐसा नहीं है, तुम्हें बस कट ऑफ क्लियर करने से मतलब है। जैसे ही तुमने कट ऑफ क्लियर करा, जितने बच्चे कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका एडमिशन लिया जाएगा। और ये ऐसा सब्जेक्टिव एग्जाम तो नहीं है कि तुम ज्यादा मार्क्स ला रहे हो तो टीचर ने तुम्हारी मार्क्स काट दी, MCQ क्वेश्चन है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुमने सही बनाई है कि नहीं। तो तुम हमेशा कट ऑफ को देख के डिमोटिवेट मत हो कि सीट्स कम है, ऐसे कैसे चलेगा भाई, सीट्स का घंटा गोली मारो, सीट्स को, सीट बढ़ जाएगी अकॉर्डिंगली, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि सीट्स ऊपर नीचे नहीं हो सकते, तुम्हें कट ऑफ क्लियर करना है, दैट्स इट। सीट्स कम होते हैं JNU में, कॉम्पिटिशन टफ होते हैं, ये रिटन पेपर में लिखा जाता है, बट अगर तुम कट ऑफ कैसे भी क्लियर करते हो तो फर्स्ट कम, ऐसा नहीं है जिसने पहले स्कोर करा होगा, जिसका रिजल्ट पहले खुल गया होगा इंटरनेट पर, वो उसका एडमिशन मिल जाएगा बाकी भाड़ में, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ क्लियर करोगे सबको एडमिशन मिलेगा,
मतलब 500 बच्चे कट ऑफ क्लियर करेंगे 500 का एडमिशन मिलेगा, लेकिन 500 बच्चे करते नहीं है, यही दिक्कत है। ओके, तो हाँ सीट को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना, ये था मेरा 8 ऐसा गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस, ये लगा लो, इसमें से 4-5 उठा के लगा लो, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन निकालने के लिए। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो, यहीं पे कमेंट करके बताना कैसा लगा, एक भी टिप तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकती है कि नहीं, लिखना नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहते हो मास्टर्स में, वो भी लिखना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो वहां कुछ लिखो, बट प्लीज सब्सक्राइब करना एंड ट्राई टू हेल्प अस कि मेरा कम्युनिटी ग्रो हो। दैट्स इट, मैं बहुत थक गया, थैंक यू, आई लव यू गाइज एंड दिल से आई लव यू गाइज। ओके, बाय बाय।